Hello everyone, today we will discuss about restriction exonucleus. ठीक है, तो ये restriction exonucleus क्या होता है? ऐसे nucleus enzyme जो DNA की double helical strand होती है, ठीक है, ये DNA double helical strand के end part को जो hydroxyl group होता है उसको remove करता है. ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियस एंजाइम जो एंड पार्ट को जो कटिंग करता है उसे हम रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कहेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में देख लेते हैं. जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या है? एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड वन एट द टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ अ DNA मॉलिक्यूल. ये जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड होते हैं उसके जो एंड मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जो एंड पार्ट होता है, 5' से 3', 3' से 5' की चेन होती है, उसमें ये जो एंड पार्ट के जो मॉलिक्यूल जहाँ प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल को ये रिमूव करता है. हमने जो एंडोन्यूक्लियस में देखा था उसमें क्या था, कोई स्पेसिफिक साइट पर, यानी कि कोई बीच में से जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो वहाँ उस साइट को पहले रिकॉग्नाइज करता है. रिकॉग्नाइज करके उस साइट को कट करता है, यानी कि पहले रिकॉग्नाइज करता है फिर कट करता है, डायरेक्टली वो कट नहीं कर पाता. ठीक है, तो पहले उस साइट को रिकॉग्नाइज करता है और उसके बीच में से ये कटिंग लाता है. तो जो एंडोन्यूक्लियस है वो जीनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, नेक्स्ट है द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट एक्सोन्यूक्लियस लाइज इन द नंबर ऑफ स्ट्रेन. ठीक है, एंड दे आर डिग्रेड व्हेन अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल इज अटैच. जब ये डबल मॉलिक्यूल इज अटैच होता है तब ये उसके जो एंड पार्ट में हमने कहा जो उसके नंबरिंग होता है, ठीक है, उसे डिग्रेडेड करता है. तो ये एंजाइम कॉल्ड, उसमें ये जो जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो कटिंग करने वाले एंजाइम होते हैं, इसे हम बैल यानी कि BAL31, ठीक है, ऐसे कई एंजाइम होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे तब ये सारे एंजाइम आएंगे और उसका इस एंजाइम का रोल क्या होता है ये भी हमें देखने को मिलेगा. तो ये एंजाइम के हम जस्ट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. तो BAL31 ये क्या है? तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो फर्स्ट जो उसका लेटर होता है, जो कैपिटल लेटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका जीनस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट जो कैपिटल लेटर है, ठीक है, वो उसका जीनस है और जो दूसरा लेटर होता है वो स्पीसीज यानी कि जो स्ट्रेन होता है, ठीक है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, और जो थर्ड यानी कि ये जो नंबर होता है 31, ये रोमन नंबर होता है. ठीक है, तो ये BAL31, ठीक है, HIND3, ऐसे कई एंजाइम आएंगे जब हम पूरा का पूरा, जब ये हम जो क्लोनिंग की जो प्रोसेस आएगी, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि जो ये सारे एंजाइम आएंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस बताता है और जो सेकंड है जो स्मॉल अल्फाबेट होता है वो स्पीसीज यानी कि उसकी स्ट्रेन है, एंड थर्ड है वो रोमन नंबर है. ठीक है, तो इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोन्यूक्लियस दैट रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम बोथ स्ट्रेन. ये जो सारे डबल हेलिकल चेन है, ठीक है, दो स्ट्रेन है, उसके दो स्ट्रेन के जो बाहर का एंड पार्ट का जब ये मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उस यानी कि न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो ये एंड पर जहाँ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये कटिंग करता है. ठीक है,
तो वो स्ट्रैंड ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। अब देखते हैं, ये बात थी एक्सो न्यूक्लियस की, ठीक है। लेकिन एक्सो न्यूक्लियस का कोई जीनेटिक्स में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता, लेकिन जो एंडो न्यूक्लियस होता है उसमें तीन टाइप के होते हैं, और एक्सो न्यूक्लियस में भी उसमें एक टाइप होता है बहुत इस जीनेटिक इंजीनियरिंग में यूजफुल होता है। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। वो थ्री टाइप में हमें डिवाइड किया है, जो टाइप वन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड टाइप थ्री। ये तीनों टाइप में है, लेकिन कौन सा जो टाइप है वो हमें यूजफुल होता है, और जो कौन सा ऐसा टाइप होते हैं जो ये जीनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ कुछ ही बार या तो यूज़फुल होता है या तो बहुत बार यूज़फुल होता है। तो अब देखते हैं टाइप वन एंड टाइप थ्री टाइप के जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो। अब ये टाइप वन और टाइप थ्री के बारे में देखें तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। हमने कहा ना, जो डबल हेलिकल चेन होती है उसमें अगर कटिंग लाना हो तो पहले उस साइड को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। ए सी जी ए, ठीक है। टी ए सी सीक्वेंस हो फॉर एग्जांपल, तो उसकी बेस पे क्या बनाएगा, टी जी सी टी एस। अगर उसमें यहाँ से कट लाना है तो पहले इस साइड को वो रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। उस सीक्वेंस को, उस साइड को रिकॉग्नाइज करता है, फिर कटिंग लाता है। तो ये टाइप वन और टाइप थ्री क्या करता है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द डुप्लेक्स डीएनए, बट कट द डीएनए फॉर अ वे फॉर द रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है, पहले उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, फिर ये रिकॉग्निशन साइट यानी कि पहले ये सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके जहाँ पर उसे कट लाना है उसे हम रिकॉग्निशन साइट कहेंगे, ठीक है। सो दे आर नॉट यूजफुल फॉर जीनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये बहुत यूजफुल नहीं होता इन जीनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब देखें तो टाइप टू जो एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका रोल क्या होता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो टाइप टू है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट, ठीक है। वो क्या करता है, वो भी जो स्पेसिफिक साइट यानी कि जहाँ पर हमें कट लाना है, ठीक है, उस साइट को पहले रिकॉग्नाइज करता है एंड कट द डीएनए एट द रिकॉग्नाइज साइट। फिर उस सीक्वेंस को, हमने कहा ना जो ए टी सी जी ऐसी सीक्वेंस होती है, तो उस सीक्वेंस को वो पहले रिकॉग्नाइज करता है कि कहाँ पर ये कट लाना है, ठीक है। फिर ये जब वहाँ पर पहले रिकॉग्निशन कर लिया, फिर उस डीएनए को रिकॉग्निज जहाँ से कट लाना है उसे हम रिकॉग्निशन या तो रिकॉग्नाइज साइट कहेंगे। सो दे आर ऑफ मच यूजफुल इन अ जीनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जीनेटिक इंजीनियरिंग में यानी कि हमने कहा ना जो क्लोन बनाए गए, हमने आपको पहले जो डिस्कस किया था को आपको बताया था कि जो हमें क्लोन तैयार करना होता है, ठीक है। तो क्लोन कैसे तैयार करता है कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें या तो तीन ऑर्गेनिज्म को मिक्स करके एक नया क्लोन बनाना है, ठीक है। तो क्लोन कैसे बनेगा, कोई पहले ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए डबल स्ट्रैंड में से कट करना है, या तो स्पेसिफिक साइट पर वो रिकॉग्निशन करके रिकॉग्नाइज साइट बनाएगा, फिर उसको जिस डीएनए को यानी कि जिस हम जीन को हमें चाहिए, ठीक है, उसे कट करता है, और उस जो फ्रेगमेंट डीएनए का जो फ्रेगमेंट बना उसे हम ले सकते हैं। फिर ऐसे ही दो ऐसे हमें तीन बनाना हो तो फिर ऐसे दो ऑर्गेनिज्म को लेकर इसी तरह ये डीएनए का फ्रेगमेंट हम लेंगे,
और ये जो तीनों फ्रेगमेंट हमें मिल जाए तो कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में लाके एक हम क्लोन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होगी, तो ये क्लोन बनेगा तो क्या करेगा, कई ऐसी कॉपी बनाएगा। ठीक है, तो ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो ये जो एक्जो यानी कि ये जो एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें ये जो टाइप टू जो एंडोन्यूक्लियस होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो बहुत यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल इको आर वन एंड हिंड थ्री। ठीक है, तो हमने बात की थी जो फर्स्ट कैपिटल होता है, ठीक है, वो क्या जीनस होता है, और फिर स्ट्रेन यानी कि जो स्पीसीज होती है, एंड जो थर्ड लेटर होता है वो रोमन नंबर होता है। यहाँ पर सारे जो मिलेंगे वो रोमन नंबर टाइप के मिलेंगे, तो ये हिंद थ्री और ये इको आर वन। ठीक है, तो जब हम पूरा क्लोनिंग की जो प्रोसेस देखेंगे तो ये सारा के सारे जो एंजाइम होंगे उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो अब देखते हैं टाइप थ्री जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसका रोल। तो ये जो टाइप थ्री टाइप का जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हमने देखा ना, जो टाइप वन एंड टाइप थ्री है बहुत यूजफुल नहीं होते इस जीनेटिक इंजीनियरिंग में, इस टेक्निक में। ठीक है, तो ये टाइप थ्री है वो सिमिलर होता है क्लास वन यानी कि टाइप टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, दोनों का जो काम होता है वो सेम ही होता है, इसलिए वो सिमिलर ही होते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट एंजाइम मेड अप ऑफ टू सब यूनिट। ठीक है, तो टू सब यूनिट मिलके एक कंप्लीट एंजाइम बनाते हैं, जैसे कि दो ऐसे सब यूनिट है जो एम सब यूनिट एंड आर सब यूनिट। ठीक है, तो ये एम सब यूनिट किया है, तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो एम सब यूनिट यानी कि जो रिकॉग्निशन करता है, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करता है जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, उसे रिकॉग्निशन करता है एंड मॉडिफिकेशन उसमें चेंजिंग लाता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल डीएनए होगा उसमें हम जो रिकॉग्नाइज करेंगे वो रिस्ट्रिक्शन साइड से जहाँ कटिंग होगा, और फिर क्लोन करेंगे तो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन आएगा। ठीक है, हमें क्लोन तैयार करना हो तो ये मॉडिफिकेशन लाता है। एंड जो सेकंड है आर सब यूनिट कि वो रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर एक्शन। जब ये न्यूक्लियर एक्शन यानी कि ये न्यूक्लियरिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नेक्स्ट है इट ऑल्सो रिक्वायर्ड, ये जो प्रोसेस होती है तो उसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं उसमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ तीन टाइप के फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमने जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की एंड जो सारी कई ऐसी प्रोसेस देखी है, ठीक है, उसमें जो MG2+ का भी कई बार रोल आता है, तो वैसे ही यहाँ जीनेटिक इंजीनियरिंग में हमें कोई इस जो सारी कॉपी बनानी हो या तो कोई जो डबल स्ट्रैंड है उसका हमें कट करना हो, ठीक है, क्लोन तैयार करना हो, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है उसमें भी ये फैक्टर्स बहुत बड़े उसका रोल इम्पोर्टेंट होता है, तो बहुत बड़े यूज़फुल होते हैं ये फैक्टर। ठीक है, तो ये तीन टाइप के फैक्टर है जो MG2+, ATP एंड एडिनोसाइन या तो मिथियोनिन। ठीक है, तो ये जो सब टाइप थ्री टाइप के जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसके रिक्वायरमेंट में ये थ्री फैक्टर है, ठीक है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब ये जो रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस, अब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है कौन सी ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड जीन। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस को स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसे रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, गोज एंड अटैच, तो ये जो सारे फैक्टर्स है उसमें क्या होता है, गोज जो वहाँ जाके अटैच होता हो जाते हैं, एंड मेक अ कट। ठीक है,
जहाँ कटलाते हैं अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट, उस इस सीक्वेंस को पहले रिकॉग्नाइज करता है और फिर ये रिकॉग्निशन साइट पर कटलाते हैं। तो ये मोड ऑफ एक्शन अब क्या होता है, क्लास थ्री है, वो क्या करता है, जहाँ पर ये रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, वो साइट बनाता है, वहाँ से ये 50 से लेके 100 बेस पर जा कटिंग करता है फ्रॉम द साइट ऑफ रिकॉग्निशन। ये रिकॉग्निशन साइट से ये 50 to 100 बेस पर पे कट लाता है इन सम केसेस स्टिल अवे डिस्टेंस। तो कई जगह पर ये थोड़ा डिस्टेंस भी लाते हैं, ठीक है। एंड द कटिंग इज अ रैंडम वंस, सो द लिमिटेड एप्लीकेशन इज अ जीनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम ये कह सकते हैं इसीलिए ये यूजफुल बहुत नहीं होता जो टाइप थ्री रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, जैसे कि ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसलिए हम ये जो टाइप टू का जो एंडोन्यूक्लियस यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है इस जीनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। जो हमने एक्सोन्यूक्लियस की बात की थी ना, कि जो ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है उसमें क्लीवेज लाता है जैसे कि एंड साइड पर, ठीक है। तो ये एंड साइड पर किस पर क्लीवेज लाता है, इस बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, ये जो सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं उसके बीच में यहाँ पर ये हाइड्रोजन यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, फॉर एग्जांपल ए सी जी ए टी टी ऐसी सीक्वेंस होती है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और उसकी जो पेयर बनाता है, ए के साथ ये टी पेयर बना रहा है, तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो चेन बनाता है, ठीक है, ए सी जी टी टी ऐसी चेन हो, तो ऐसे जो चेन होती है उसके बीच में यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, यानी कि दो ऐसे न्यूक्लियस होते हैं उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है, ये डबल स्ट्रैंड है उसमें ये क्या करता है, जब ये रिकॉग्निशन साइट होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहले रिकॉग्नाइज करता है, फिर उस साइट बनाता है, रिकॉग्निशन साइट कहेंगे हम उसको। अब ये रिकॉग्निशन साइट पर ये कैसे कट करता है, किस न्यूक्लियोटाइड को कट करता है, एक्सो यानी कि जो एंड पर न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करके ये बाहर वाला यानी कि एंड वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसे रिमूव करता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे जो एंड के न्यूक्लियोटाइड है उसे रिमूव करता जाएगा और जो हमें चाहिए बीच वाला पार्ट यानी कि जो हमें इतना चाहिए, ठीक है, तो हम ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके ये जो एक्सोन्यूक्लियस है जो एंड पार्ट को निकाल लेते हैं, लेकिन मान लीजिए हमें यहाँ से इतना पार्ट चाहिए, तो क्या होता है, हमें इतना पार्ट चाहिए, तो अगर ये पार्ट हमें इतना चाहिए है तो क्या होगा, ये तीन टाइप के जो एक्सोन्यूक्लियस निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है, फोर मिले हैं, तो ये प्रॉपर पेयर नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं जीनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत यूजफुल नहीं होते, ठीक है। तो ये बात थी एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस उसकी, ठीक है। सो गाइज, इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसके बारे में देखेंगे, ये जो टाइप थ्री के जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, ठीक है, उसके बारे में आज हमने स्टडी किया, और ये जो टाइप टू है जो मोस्टली यूजफुल होता है इन जीनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, और ये जब कट करते हैं, कोई स्ट्रेन कट होता है
ठीक है। तो उस मान लीजिए ये स्ट्रेन है, कोई डीएनए का कोई एक स्ट्रेन है, ठीक है। तो हम बात करें डबल हेलिकल की, चलो ये डबल हेलिकल है, ठीक है। उसमें यहाँ से कटिंग आता है, तो दो ऐसे हमें स्ट्रेन मिलेंगे, ठीक है। अब ये दो ऐसे स्ट्रेन मिले हैं, उसके बीच में कटिंग आ गई है, ठीक है। तो एक स्ट्रेन होता होगा वो क्या बनेगा, ब्लंट बनेगा, ठीक है। ये ब्लंट टाइप का बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रेन जो ब्लंट है, और जो दूसरा होता है वो ये स्टिकी एंड होगा, ठीक है। तो दो टाइप के ऐसे स्ट्रेन मिलेंगे। तो वो दो टाइप के ऐसे स्ट्रेन किस तरह वर्किंग करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और टाइप टू जो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।